क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम पर स्लो मोशन वीडियो बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम पर स्लो मोशन वीडियोस कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ पर देखिए, हमने मोबाइल पर हैं और हम यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम में स्लो मोशन या फास्ट मोशन वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम के अंदर कैसे बना सकते हैं। सो इसके लिए देखिए, आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसे इसे ओपन करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और यहां पर अगर आप चाहते हैं शॉर्ट वीडियो बनाना तो देखिए एक प्लस का आइकन मिलता है, यहां पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहां पर आपका जो कैमरा होगा वो आप अपने यहां से रील्स गैलरी को चूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि रील्स आइकन पर क्लिक करके कैसे बनाना है। देखिए, रील पर जैसे आप क्लिक करेंगे सो यहां से आपको कोई भी एक रील्स या कुछ वीडियोस को पसंद कर लेना है जिस पर आप गाना बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि ये देखिए, इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है तो मैं इस सॉन्ग पर बनाना चाहता हूं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, इस तरीके से थोड़ा स्वाइप करेंगे। सो नीचे देखिए आपको यूज़ आइडियो का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और मैंने आवाज़ को लॉक कर रखा है ताकि इसकी जो आइडियो है वो कॉपीराइट का इशू रहेगा, इसके लिए मैंने इसे स्लो कर दिया है। अब चलिए हम आपको दिखाकर यहाँ पर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस तरीके से। और अगर यहाँ पर देखिए, आपको कॉर्नर पर एक देखिए 1x 2x एंड 3x का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सिंपली चलिए मैं यहाँ पर आपको पहले डिटेल से बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 1x पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर देंगे सो आपको यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 3x 5x 1x 2x एंड 3x। इन सभी का मतलब होता है कि जैसे 1x पर एक नॉर्मल स्पीड रहेगी और 2x पर करेंगे तो वो स्लो स्पीड हो जाएगी, और 3x पर करेंगे तो वो इससे भी स्लो स्पीड हो जाएगी, और 3x पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वो होगी स्पीड हाई होगी, और इस पर क्लिक करेंगे तो वो भी इससे ज़्यादा हाई होगी। चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि कोई भी पार्ट मुझे पहले स्लो पार्ट में रिकॉर्ड करना है तो मैं यहां पर 2x लेता हूं और मैंने म्यूज़िक को चूज ही कर रखा है। सो यहां पर देखिए मैं मोमेंटम करता हूं इस तरीके से। देखिए मैं क्लिप पर प्रेस करके यहां पर देखिए रखूंगा, इस पर प्रेस करके मुझे रखना है, देन यहां पर देखिए मैं इस तरीके से मूव करके लाऊंगा। सो ये बता रहा है कि जो आप स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहे हैं इसकी ऑडियो को ऑफ कर दिया जाएगा। तो चलिए इससे मैं वो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। इसके लिए देखिए यहां पर इस वाले ऑडियो पर जैसे मैं प्रेस करके रखूंगा तो देखिए यहां पर रिकॉर्ड होना इस तरीके से शुरू हो जाएगा। मैंने यहां पर रोक रखा, अब मैं इसकी स्पीड को नॉर्मल करना चाहता हूं, इस 1x पर क्लिक करेंगे और फिर से देखिए मैं इस स्पीड को यहां पर नॉर्मल पर क्लिक करके फिर से शूट कर रहा हूं। और अब देखिए अगर इस स्पीड को और भी आप चेंज करना चाहते हैं 5x पर रखेंगे, फिर से देखिए मैं इसी मूवमेंट को बार बार यहीं पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये देख सकते हैं इसी मोमेंट को मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए फिर से मैं क्लिक करता हूं और इसी मोमेंट को मैं देखिए फिर से यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब इस मोमेंट को और भी आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसे और हाई स्पीड में रखना चाहते हैं, ये आपके लिए टाइमर है और टाइमर को हटा दीजिए। इसके नीचे देखिए अब मैं 3x में शूट करना चाहता हूं, सो इसी मोमेंट को हम 3x में पूरा करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से स्लो करके लाएंगे, सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ चुका है। अब इसे हम यहाँ पर छोड़ेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब वीडियोज़ को देख सकते हैं कि जो पहली यहाँ पर क्लिप थी, अभी ये देखिए दूसरी क्लिप है उससे स्लो हो गई, अभी देखिए इसके बाद तीसरी क्लिप देखने को मिलेगी। इस तरीके से अब बारी बारी ये देखिए कितना फास्ट हो गया, अब इसके बाद देखिए उससे भी स्लो, उससे भी फास्ट। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, पहले आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना सीख जाएंगे, आपको कुछ समय देना पड़ेगा। ये देखिए कितना फास्ट हुआ लास्ट में। तो जब 1x के प्लस 2x 3x वो स्लो मोशन स्पीड है, उसके नीचे वाली वो फास्ट स्पीड है। तो इस तरीके से आप एक स्लो मोशन और एक इस तरीके से आप वीडियो अपने व्हाट्सएप के इंस्टाग्राम में क्रिएट कर सकते हैं और इसे आप यहाँ पर छह ड्रॉप में रखकर शेयर भी कर सकते हैं। सो आई छोटा सा वीडियो था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए।